एनुअल वैल्यू पे टैक्स लगे, ठीक है। तीन कंडीशन था कि हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए, उसके आप ओनर हो, और आपका उस घर में बिजनेस नहीं होना चाहिए। ये तीन चीज था। फिर अपने पड़े हाउस प्रॉपर्टी कब टैक्सेबल और हाउस प्रॉपर्टी किसको माना और किसको नहीं, वो पड़े। फिर अपने पड़े ओनर तीन टाइप का है, लीगल ओनर, बेनिफिशियल ओनर, डीम्ड ओनर। तो तीनों कब माना जाएगा वो पड़े। फिर एक छोटा सा कंडीशन था कि प्रॉपर्टी इज नॉट फॉर यूज फॉर द बिजनेस, ठीक है। तो उसमें अपने पड़े कि अपने एम्प्लॉय को दे रहे हैं तो, गवर्नमेंट एजेंसीज को दे रहे हैं तो, या एंसिलरी यूनिट्स के रूप में दे रहे हैं कंपोनेंट की तरह, अपने ही आपको अपना ही एक प्रॉपर्टी को दूसरे बिजनेस में यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो वो भी बिजनेस प्रॉपर्टी माना जाएगा, उस पर इस चैप्टर में डील नहीं होगा। अब चालू करना है सम स्पेशल केसेस आज से। तो पहले एक एग्जांपल में बोला फॉरेन प्रॉपर्टी का क्या हो, तो बोला अगर हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड अब्रॉड है और आप कौन हो, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, तो ऑलवेज टैक्सेबल है उसका भाड़ा। और अगर आप नॉन रेसिडेंट हो, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट, तो फिर इनकम मत भी रिसीव इन इंडिया। अगर इनकम रिसीव इंडिया में तो टैक्सेबल है, नहीं तो नहीं। तो आप अगर ऑर्डिनरी इंडियन हो, पैसा इंडिया में मिले या नहीं मिले, आपको इंडिया में टैक्स देना ही पड़ेगा। और अगर प्रॉपर्टी अब्रॉड में है और आप नॉन रेसिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी हो, तो फिर आपको पैसा इंडिया में मिला है तो इंडिया में टैक्स लगेगा, नहीं तो नहीं, ठीक है। अच्छा, कैलकुलेशन ऐसे करेंगे कि अगर वो प्रॉपर्टी इंडिया में होता तो क्या अमाउंट निकल कर आता, मतलब रूल कैलकुलेशन का वही होगा जो एक इंडियन प्रॉपर्टी के लिए। कैलकुलेशन के तरीके कुछ नहीं बदले, ये बोलना चाहिए। अच्छा, अगर प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है तो दो भाइयों में लड़ाई चल रहा है प्रॉपर्टी किसका, डिस्प्यूट रिगार्डिंग द टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी, के ऊपर एक बात बोला ओनर होना चाहिए। लेकिन अभी यही तो झमेला, ओनर कौन, बड़ा भाई बोल रहा पेपर है उसके पास, बड़ा भाई बोल रहा प्रॉपर्टी मेरे को पापा देखे गए, छोटा भाई बोल रहा नहीं ये मेरा होना चाहिए। तो जो प्रॉपर्टी को एंजॉय कर रहा है उसके पोजीशन को, मतलब अगर आप रह रहे हो, आपका और मेरा झगड़ा है, आप रह रहे हो, केस अभी चल रहा है तो कोई बात नहीं, आप रह रहे हो, गवर्नमेंट आपको ओनर मान के टैक्स आपसे ले ले, या भाड़ा अगर आप एंजॉय कर रहे हो तो आपको बोल देगा भाड़ा फिलहाल तुम्हारे हाथ में आ रहा है ना, तुम टैक्स दो। भाड़ा दोनों भाइयों में भी आधा आधा बढ़ रहा है तो प्रॉपर्टी के ओनर दोनों भाई मान लिए जाएंगे, और दोनों के हाथ में भाड़ा आ रहा है उस पर दोनों थोड़ा थोड़ा टैक्स देंगे। बात क्लियर है? हाँ। अगला टॉपिक बोला कंपोजिट रेंट। कंपोजिट रेंट मतलब सर आप घर के साथ ना फर्नीचर मशीनरी बहुत कुछ भाड़ा पे दे रहे हैं। मान लो हम आपको एक घर भाड़ा पे दे रहे हैं जिसमें एसी भी लगा हुआ है, जिसमें बहुत सारा टेबल चेयर फर्नीचर है, ड्रेसिंग टेबल है, बेड है, और हम बोला सारा कुछ मिला के 15,000 रुपया भाड़ा। तो हियर आई एम चार्जिंग नॉट ओनली फॉर द हाउस, आई एम ऑल्सो चार्जिंग फॉर द एसेट और फर्नीचर यू आर यूजिंग। लेकिन हम अलग अलग नहीं बता रहे, देखो अलग अलग बताता झगड़ा ही खत्म था। फिर तो जितना घर का भाड़ा है वो इस हेड में टैक्सेबल, और प्रॉपर्टी से जो भाड़ा कमा रहा है वो अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाता। लेकिन सर यहाँ झगड़ा तो यही है कि आप तो टोटल भाड़ा बताए एक बार, जिसको आप भाड़ा पे दे रहे हो उससे टोटल भाड़ा ले रहे हो एक बार, अलग अलग बोल के नहीं ले रहे हो, एग्रीमेंट में या रेंट का रिसिप्ट में अलग अलग पॉइंट नहीं दिख रहे, अलग अलग अमाउंट ब्रेकअप नहीं दिख रहे, तो क्या करें? बोलो आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? नो आइडिया, नहीं। चलो ठीक है, बात करते हैं। तो पहले कंपोजिट रेंट का मतलब क्या बताया, बोला रेंट फॉर बिल्डिंग, रेंट फॉर एसेट, या फिर बहुत सारा वेरियस सर्विसेज का चार्ज। हम बोल रहे हैं आपके यहाँ पे कूड़ा लेने वाला जो आएगा ना, हाँ। वो भी हम भी प्रोवाइड, उसका पेमेंट हम लोग कर देंगे, आप हमको टोटल इतना रुपया दे। बिल्डिंग में लिफ्ट का फैसिलिटी है, उसका आपको बिल्डिंग वाले से कुछ पेमेंट नहीं करना, आप हमको दे दो, हम देख लेंगे उसका पैसा। कुछ भी एक्स्ट्रा सर्विसेज जो आपके पास है,
इलेक्ट्रिक बिल मिला के हम आपसे पैसा ले रहे हैं, तो हम आपसे घर का भाड़ा ले रहे हैं, कोई एसेट का भाड़ा ले रहे हैं, प्लस अदर सर्विसेज का भी चार्ज ले रहे हैं, इनको तो मिला के ले रहे हैं, दैट इज नोन एज हाँ, तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? तो बोला यहाँ पे क्या बोला, देखो रेंट इंक्लूडिंग चार्ज फॉर एमिनिटीज लाइक सर्विस लाइक गार्डनिंग फैसिलिटी दे रहा है उसी में, आपको खाना भी दे रहा है, आपको इलेक्ट्रिसिटी भी दे रहा है, और या फिर अदर सेपरेबल एसेट दे रहा है जैसे मशीन फर्नीचर प्लांट ये सब, ठीक है? यहाँ पे क्या बोला, इफ द ओनर ऑफ द हाउस गेट कंपोजिट रेंट फॉर बोथ प्रॉपर्टी एज वेल एज सर्विस रेंडर्ड और अदर सेपरेबल एसेट सच कंपोजिट रेंट शुड बी ट्रीटेड एज अंडर सम रिसीव फॉर यूजिंग बिल्डिंग, अगर अलग से पता है तो वो बिल्डिंग एट में चला जाएगा हाउस प्रॉपर्टी में, सम रिसीव फॉर अदर एमिनिटीज, या तो अगर वो एमिनिटीज देना मेरा काम ही है तो वो पीजीबीपी में जाएगा, और वो एमिनिटीज देना मेरा काम नहीं है वो तो हम बस आपको दे रहे हैं घर के साथ, तो फिर वो अदर सोर्स में जाएगा, ठीक है? सर ये तो बहुत आसान बात है अगर अलग कर सकते हैं तो, बट इफ सेपरेबल नहीं है तो इफ सेग्रीगेशन इज नॉट पॉसिबल देन पूरा का पूरा इनकम या तो बिजनेस प्रोफेशन में जाएगा या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, समझे? सर बिजनेस में कब जाएगा, जब वही आपका काम ही है, आप रियल स्टेट के मालिक हो, आपका काम ही है घर भाड़ा पे देना और पैसा कमाना, तो फिर वो बिजनेस में जाएगा, आपका काम नहीं है ये तो फिर अदर सोर्स में जाएगा, पूरा का पूरा मतलब घर का पैसा भी हम आपसे 25,000 रुपया ले रहे हैं और कोई ब्रेकअप नहीं बता रहे, उस 25,000 में घर का भाड़ा भी है, उस 25,000 में अदर एसेट को यूज कर रहे हैं उसका पैसा भी है, और आपको जो फैसिलिटीज मिल रहा है उसका पैसा भी, तो पूरा 15-25,000 अदर सोर्स में या पीजीबीपी में चला जाएगा, अगर यही मेरा कारोबार है यही काम हम करता है सारा टाइम तो फिर पीजीबीपी में जाएगा, और ये मेरा काम नहीं है तो फिर ये अदर सोर्स में चला जाएगा, मतलब यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी में कुछ जाएगा ही अगर सेपरेबल नहीं है, और सेपरेबल है तो घर का भाड़ा हाउस प्रॉपर्टी एक्ट में टैक्सेबल होगा, बाकी या बिजनेस या अदर सोर्स, बात क्लियर है? इसीलिए देखो कितना मस्त एग्जांपल दिया, बहुत जन पेइंग गेस्ट पे घर देते हैं ना पीजी पीजी, तो बोला पूरा का पूरा पीजी इनकम अदर सोर्स माने, क्योंकि पीजी में क्या होता है बेटा, आपको रूम रेंट खाना भी वही मिल रहा है, इलेक्ट्रिक बिल भी आपको अलग से नहीं देना पड़ रहा है, सब जोड़ जाएगा आपसे लेता है ना पीजी वाला पैसा, वहां पे अगर एक दीदी आ रही है खाना बनाने दीदी का भी चार्ज आपको नहीं देना पड़ रहा है, तो सर वहां पर क्या होगा, पीजी में एसी भी लगा हुआ है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में, हाँ पूरा का पूरा पीजी इनकम को इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, तो ये बहुत अच्छा है की पॉइंट याद रखने के लिए, ठीक है? देखो यहाँ पे बोला लेटिंग ऑफ बिल्डिंग विथ अदर इनसेपरेबल एसेट, इफ लेटिंग इज ओनली बिल्डिंग एंड नॉट पॉसिबल और नॉट एक्सेप्टेबल टू द अदर पार्टी देन सम रिसीव रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इज चार्जेबल इनकम फ्रॉम कंपोजिट रेंट, और कंपोजिट रेंट को कहाँ माना जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स या पीजीबी। देखो इसीलिए यहाँ पे कितना मस्त बात बोला, होटल रूम का भाड़ा कहाँ जाएगा, देखो बेटा अगर हम नॉर्मल सेंस में लेता होटल वाला आपको रूम दे रहे हैं तो हिसाब से तो हाउस प्रॉपर्टी एड में आ जाएगा, बट आपको फीलिंग आ रहा है, हाँ एग्जैक्टली, बट आपको फीलिंग आ रहा है ना सर ये तो बिजनेस है, हाँ तो गवर्नमेंट भी माना, लेकिन देखो गवर्नमेंट कितना चालू निकला, गवर्नमेंट सीधा सीधी बोला कि देखो यहाँ से हिसाब से तो रूम भाड़ा पे मिल रहा है, बट क्या सिर्फ रूम भाड़ा पे मिलता है क्या, अंदर में फर्नीचर भी होता है एसी भी होता है इलेक्ट्रिक चलता है उसका भी आपको अलग से पैसा नहीं देना है, गीजर है टीवी है नेट कनेक्शन है या फिर केबल कनेक्शन है टीवी में, बहुत कुछ मिल रहा है, वो पूरा का पूरा चीज को क्या मान लेंगे पीजीबीपी। सिमिलरली आप कोई ऑडिटोरियम बुक करते हो तो वहां पे तो बहुत सारा फैसिलिटी था, मान लो मैं कोचिंग क्लास लेने के लिए एक ऑडिटोरियम बुक किया, बड़ा सारा ऑडिटोरियम, क्योंकि मेरा बहुत स्टूडेंट को हमको कंबाइंड क्लास देना है, ऐसा बहुत सारा कलकत्ता में टीचर है जो लोग ये नेताजी इंडोर स्टेडियम वगैरह बुक करके क्लास लेते हैं,
फिर उनका सारा बैच मिला के 400-500 स्टूडेंट हो रहे, लेकिन उनको कुछ चैप्टर कंबाइंड पढ़ाने हैं। चलो ऑडिटोरियम बुक करता है एक दिन के लिए, और वो स्टूडेंट सबको बोलता है वहाँ आ जाओ, एक क्लास होगा लंबा क्लास। तो ऑडिटोरियम में तो बहुत कुछ फैसिलिटी मिल रहा है ना, माइक, खाली जगह थोड़ी नहीं मिल रहा है, बहुत कुछ मिलता है। हाँ, तो फिर इसीलिए इसको या PGBP या आदर्श हो, ठीक है। अगला नेक्स्ट टॉपिक बोला, अगर तो दो को ओनरशिप है, तो दो भाइयों के नाम पे घर है तो मतलब ज्वाइंट ओनरशिप है तो क्या होगा? अगर दोनों का अलग अलग शेयर कितना है कमाई में, वो असर्टेनेबल है, तब तो दोनों इंडिविजुअल टैक्स देंगे। लेकिन अगर वो असर्टेनेबल नहीं है, तो जिसके हाथ में पैसा आ रहा है एक बार के लिए पूरा, हम उसी के हाथ में टैक्सेबल कर देंगे। समझ में आया? तो देखो यहाँ पे लिखा भी, शेयर ऑफ ईच को ओनर इज द इनकम ऑफ प्रॉपर्टी एज कंप्यूटेड इन अकॉर्डिंग विद सेक्शन 22-25 शेल बी इंक्लूडेड इन हिज टोटल इनकम। मतलब अगर दोनों ओनर का सेपरेट किया जा सकता है, तो उनका अपना इंडिविजुअल इनकम माना जाएगा जो जिसके हाथ में आ रहा है। व्हेन द हाउस प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय को ओनर एंड ऑक्युपाइड बाय ईच एंड द को ओनर, देन ऑल ऑफ देम कैन क्लेम बेनिफिट। यहां सीधा बात बोल रहा है, अगर सेपरेबल नहीं है तो दोनों के हाथ में, जर्नी से जिसके हाथ में प्रॉपर्टी आ रहा है उसके हाथ में टैक्सेबल होते हैं। लेकिन अगर अलग अलग किया जा सकता है तो दोनों के इंडिविजुअली हाथ में अपना अपना इनकम टैक्सेबल होगा। अच्छा, उनको जो भी बेनिफिट है वो भी फिर सेपरेट मिलेगा। ये पॉइंट नंबर टू बोलना चाहते, तो ये भी फिलहाल इसको हाथ में रखो, ये पॉइंट नंबर टू कभी जब आगे टॉपिक आएगा तब समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट बोला, पार्टनर्स प्रॉपर्टी यूज बाय द फर्म। मेरा एक रूम है, हम बिजनेस में पार्टनर है, हम आप और अनुष्टि एक बिजनेस में पार्टनर है। मेरा एक रूम है जिसको बिजनेस एज एन ऑफिस यूज कर रहे हैं, तो पार्टनर का प्रॉपर्टी फर्म यूज कर रहे हैं। तो बोलो, ये जो प्रॉपर्टी का एनुअल नेटिंग वैल्यू है, ये इस साइड में टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, बिजनेस पर्पस के लिए। हाँ, क्या बोला, द एसएससी व्हिच इज एन ऑक्यूपेशन ऑफ द फर्म इन विच द एसएससी इज द पार्टनर इज नॉट इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ द एसएससी पार्टनर अंडर सेक्शन 22। और ये सेक्शन 22 से 25 जो है वो इसी चैप्टर पे, यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ये बोलना चाहते, ठीक है। नेक्स्ट स्पेशल केस में क्या बोला, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एग्जाम के लिए बहुत काम का, वाइटल है, डबल स्टार। When house property is held as a stock in trade and not let out during any part of the previous year. अब यहाँ पे पंगा कहाँ आया पता है बेटा? बिल्डर लोग को पंगा आ गया, क्योंकि बिल्डर बोलता है मेरा 50 फ्लैट है, हम 50 फ्लैट बनाया, उसमें 20 तो बेच दिया या 20 भाड़ा पे दे दिया, और ये चैप्टर बोलता है दो ही घर सेल्फ ऑक्युपाई दिखा सकते हो, बाकी घर अगर खाली पड़ा है तो उसको इस सेट में टैक्सेबल करना पड़ेगा। वेरी गुड। तो सर जी, यहाँ तो बिल्डर लोग फंस गए, वो बोल रहे हैं इसको बिजनेस इनकम की तरह मानो, और इनकम टैक्स बोलता है नहीं, हाउस प्रॉपर्टी की तरह लेंगे। तो इस पर क्लैरिफिकेशन दिया गया, बोला अगर तुम घर को एज ए स्टॉक इन ट्रेड होल्ड कर रहे हो, मतलब इसको तुम अपना एक स्टॉक मान रहे हो, एसेट नहीं, क्योंकि तुम्हारा तो काम है घर आगे बेचना या भाड़ा पे लगाना, तो इसको तो तुम्हारा बिजनेस का स्टॉक माना जाएगा, क्योंकि तुम इसी चीज का कारोबार कर रहे हो, तो इसको तो स्टॉक मानना चाहिए। तो बहुत सारा बिल्डर लोग फायदा उठाने लग गए इस बात का, अब 10-10 साल घर खाली पड़ा है, टैक्स भी नहीं देना पड़ रहा है ना। तो गवर्नमेंट बोला नहीं, ऐसे तो नहीं चलेगा, हम तुमको सारा प्रॉपर्टी पे पकड़ के टैक्स भी नहीं लगा सकते, तो ऐसे छूट भी देके नहीं बैठा सकते बिजनेस का एसेट मान के। गवर्नमेंट बोला 2 साल तक जिस दिन घर कंप्लीट का सर्टिफिकेट मिल गया, तुमको पता है हर स्टेट में एक डेवलपमेंट अथॉरिटी बोल के डिपार्टमेंट होता है, तुम्हारा घर बन के रेडी हो गया, तुम बिल्डर हो, तुम्हारा घर बन के रेडी हो गया, तुमको वहां से कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। तो जिस दिन तुमको वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला है, वहां से अगले 2 साल तक अगर वो घर ना तो बिकता है ना भाड़े पे देते हो, तो उसको हम उसके प्रॉपर्टी का वैल्यू को तो नीली मानेंगे।
मैं कब हम उस पर टैक्स नहीं लेंगे, उसका एनुअल वैल्यू को नील मानेंगे। अब एनुअल वैल्यू नील होगा तो टैक्स नहीं होगा ना। हाँ। लेकिन दो साल तक का मौका दे रहे हैं, बात समझे? हाँ। अगर तुम दो साल के बाद भी ना बेच पाए ना भाड़ा पे लगा पाए तो फिर हम उसको स्टेट में टैक्सेबल कर देंगे, बात समझ में आया? हाँ। क्योंकि देखो बिल्डर ने घर बना लिया, अब वो पांच पांच साल उसका घर खाली पड़ा है तो गवर्नमेंट बोलते है तो गलत बात हो रहा है। फिर तो हर कोई यही करेगा, दो फ्लैट बनाएगा बोलेगा हम बिल्डर है, तो गवर्नमेंट बोला देखो भैया तुम धंधा पानी कर रहे हो, घर खाली थोड़ी ना रख के बैठे रहोगे, या तो बेचोगे और नहीं बेच रहे हो तो कम से कम भाड़ा लगा दो, और तुम नहीं लगाते हो हम दो साल तक कुछ नहीं बोलेंगे, बट दो साल के बाद भी अगर तुम उसको ना भाड़ा लगा रहे हो ना उसको बेच रहे हो कंप्लीशन से दो साल बोला है, हाँ। तो हम उसको टैक्सेबल कर देंगे, हम मान लेंगे कि उसका इतना रेंट आ सकता था, और इस चैप्टर के हिसाब से जो आगे कैलकुलेशन का प्रोसेस सीखोगे उस हिसाब से टैक्सेबल हो जाए, बात क्लियर है? यहाँ पे बहुत मजेदार बात पूछते हैं, आंसर करना। मेरा घर बन के कंप्लीट हुआ, हमको सर्टिफिकेट मिला 1 अप्रैल 2021 को, ठीक है? घर बन के कंप्लीट हुआ 1 अप्रैल 2021 को। यहाँ पे एक चीज गौर करना, यहाँ पे लैंग्वेज जरा दोबारा पढ़ लेना एक बार, बोल रहे 2 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन इज रिसीव्ड, मतलब ये शुरू होगा 31 मार्च 2022 से, अब 2 साल देखा जाएगा। हाँ। ये बात समझ में आया? हाँ। चलो बढ़िया बात, एक और पॉइंट पे आते हैं। अब एग्जांपल ये मतलब आपको गेस करना है, घर मान लो मेरा घर बन के कम्प्लीट हुआ 20 जनवरी 2021 को, अब 31 मार्च में ही शुरू होगा फाइनेंशियल ईयर, वेरी गुड, यहाँ से फिर 2 साल तक का टाइम, तो मतलब अगर कोई घर 1 अप्रैल को खत्म करे तो उसको 3 साल का टाइम मिल जाएगा। हाँ। ये बोलना चाहता था, सही बात है। अच्छा एक आप दूसरा एक एग्जांपल लेते फिर आंसर करें सर, ये नॉर्मल बात है आपकी समझ में आ गई, मान लो मेरा घर बन के 1 अप्रैल 2021 को कम्प्लीट हुआ, हम घर को किराए पर लगा दिया 30 अक्टूबर 2021 को, ठीक है, फिर हम 1 जनवरी 2022 को घर खाली करवा लिया, अब यह घर 2 साल खाली पड़ा है, क्या हम इस 2 साल वाला छूट मेरे को मिलेगा एज ए बिल्डर? नहीं नहीं मिलेगा। अरे बाबा एक बार भाड़ा लगा दिया फिर ये छूट भूल जाना, ये तो बात हो रहा है घर बनने के बाद से कंप्लीशन करेगा 2 साल तक ना भाड़ा लगाए ना बेचे, एक बार भाड़ा लगा दिए तो फिर ये छूट छाट कुछ नहीं है तुम्हारे लिए, अब उसके बाद खाली भी रखते हो तो फिर टैक्सेबल ही रहो, ठीक है ना? तो गवर्नमेंट साहब बोला अगर तुम बिल्डिंग बनाते हो तुम्हारा ये स्टॉकिंग ट्रेड ही है तो भैया 2 साल फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ऑफ कंप्लीशन, मतलब जिस दिन तुमको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, हर स्टेट का अपना अपना कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होता है जहाँ से बिल्डर को सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, तो भैया वहाँ से 2 साल तक ही माफ करेंगे, उसके बाद भी नहीं ना भाड़ा लगा रहे हो ना बेच रहे हो, भाई तुम काहे के बिल्डर हो दो दो साल तुम्हारा घर नहीं बिक रहा। यहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ म्यूचुअलिटी लग रहा है, चीज गौर करो ये एनुअल वैल्यू पे टैक्सेबल है एक्चुअल इनकम पे नहीं, ये बात क्लियर रखना ब्रेन, ठीक है ना? क्या एक मस्त पॉइंट बोला है, केस ऑफ क्लब विच प्रोवाइड रिक्रिएशन फैसिलिटी एक्सक्लूसिवली टू इट्स मेंबर एंड देयर गेस्ट एंड नॉट टू एनी अदर नॉन मेंबर, एक क्लब है वो अपने मेंबर लोग को जो उसका मेंबर बनता है उसको उस क्लब के प्रॉपर्टी में आके स्विमिंग पूल में स्विमिंग करना, टेबल टेनिस कोर्ट पे टेबल टेनिस खेलना, ये सब अलाउ करता है, लेकिन क्लब को तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है और ये नॉन प्रॉफिट भी रन कर रहा है मान लो, सच क्लब इज रनिंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी एंड मेंबर आर नॉट एंटाइटल्ड एनी शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये क्लब के जो मेंबर बनेंगे उनको प्रॉफिट में कोई शेयर नहीं मिलेगा, क्लब केवल सर्विस दे रहा है,
ठीक है ना. इन दिस केस सच म्यूचुअल कंसर्न नॉट ओनली द सरप्लस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बट ऑल्सो एनुअल रिव्यू क्लब शैल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स. अब मान लो क्लब तो मेंबरशिप फीस तो ले रहा है, तो लोग बोलेगा क्लब तो कमा रहे हैं भाड़ा, बट बोला नहीं क्लब को यहाँ पे एग्जेम्प्शन है. ठीक है, तो क्लब का सरप्लस और घर का एनुअल वैल्यू दोनों पे टैक्सेबिलिटी नहीं होता, ये बात आपको समझाना चाहता हूँ. तो स्पेशल केसेस खत्म हुए. आखिरी थ्योरिटिकल टॉपिक, कौन कौन सा हाउस प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट बोला एग्जेम्प्टेड है. मतलब हाउस प्रॉपर्टी डेफिनेशन में आ रहा है, तुम ओनर भी हो और बिजनेस के लिए यूज नहीं भी हो रहा है, फिर भी गवर्नमेंट बोलता है जाओ माफ किया. बात समझ में आया? तो कौन कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी जो गवर्नमेंट बोलता है जाओ माफ किया. एनी वन पैलेस और पार्ट देयर ऑफ एन एक्स रूलर प्रोवाइडेड द सेम इज नॉट लेट आउट. हुआ क्या ना बेटा, जब इंडिया आजाद हुआ ना, इंडिया में राजा महाराजाओं का राज था. आप एक क्रिकेटर का नाम सुने हो सर रविंद्र जडेजा. आप एक पुराने क्रिकेटर का नाम सुने हो अजय जडेजा. नहीं सुने हो. आप पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा आदमी है ज्योतिरादित्य सिंधिया. ये लोग क्या है, राजा महाराजा. इनके पास ना बहुत हवेलियां थी. और होता क्या था, मान लो हम इस किंगडम का राजा है, इस स्टेट का, इंडिया में किंगडम नहीं था उसको किंगडम बोलते थे, बट मान लो हम एमपी में मेरा किंगडम है. ठीक है. अब होता क्या था, ये राजा ना दूसरे स्टेट पे भी अटैक करता था. उन लोग तो मान लो वो एमपी का है, वो राजस्थान में अटैक किया और एक पूरा राजा का हवेली उसका हो गया फिर से, क्योंकि वहां का राजा वो बन गया. ऐसे मान लो वो गुजरात में किया तो वहां का राजा ले, वहां का भी राज्य वो ले लिया. तो ये लोग बहुत सारे स्टेट्स में इनका महल था. ठीक बात. तो अब इनके लिए गवर्नमेंट बोला, जब इंडिया आजाद हुआ तो ये राजा महाराजा कंसेप्ट खत्म किया गया. तो गवर्नमेंट इनका बहुत सारा प्रॉपर्टी को पब्लिक प्रॉपर्टी मान के गवर्नमेंट सरेंडर ले लिया, बट इनके लिए कुछ बंगलोज को कुछ घर को छोड़ दिया गया. अब ये लोग बोले बड़ा दिक्कत का बात. क्या दिक्कत का बात, बोला हमारा तो बहुत सारा किंगडम है, बहुत सारा पैलेस है, गवर्नमेंट बहुत सारा पैलेस ऑक्यूपाई कर लिया, बट कुछ पैलेस इनको छोड़ दिया है ना. अब मान लो मेरा ये तीन पैलेस गवर्नमेंट छोड़ दिया, हम एमपी का किंगडम में है, वहां पे तो एक पैलेस है मेरा और उसके अलावा तीन और पैलेस है मेरे. अब गवर्नमेंट तो बोलता है कि टैक्सेबल कर देंगे, बट ये लोग बोला इतना बड़ा बड़ा पैलेस से इतना भयानक टैक्सेबिलिटी आएगा ना, क्योंकि आप भाड़ा कैलकुलेट करोगे एक एक पैलेस का तो महीना का शायद 10-10 लाख भाड़ा बन जाए. तो महीना का 10 लाख, तो साल का 1 करोड़ 20 लाख भाड़ा आप मान लोगे. और राजा महाराजा तो भाड़ा पे नहीं लगा रहे, उतना बड़ा पैलेस कौन भाड़ा पे लेगा. तो राजा महाराजा बोल रहे हम लोग तो कमाएंगे कुछ नहीं, आप तो टैक्स लगा दोगे. ठीक है ना. तो गवर्नमेंट बोला एक काम करो, हम एक पैलेस तक छूट देंगे. अब उस एक पैलेस मतलब बोलने का मतलब ये, राजा महाराजा का पैलेस बहुत बड़ा बड़ा होता है बेटा, वहां पे बहुत सारे अलग अलग बिल्डिंगें हो सकती है. मान लो मेरा ग्वालियर में बहुत बड़ा पैलेस है, वहां पे यहाँ एक महल है, यहाँ एक महल है, यहाँ एक महल है, यहाँ एक महल है, अब वो पूरा पैलेस को एग्जम्प्ट किया. एक महल नहीं बोलना चाहता था, पैलेस वर्ड यूज किया है, वरना अपन हाउस प्रॉपर्टी बोल सकता था, बट वर्ड यूज नहीं किया. यहाँ पे बोला वन पैलेस ऑफ एन एक्स रूलर. हाँ, लेकिन अगर वो उस पैलेस को भाड़ा पे लगा के भाड़ा उठा रहा है, मान लो शूटिंग के लिए भाड़ा पे दे रहे, तब नहीं. वो भाड़ा नहीं ले रहा है तो उसका पूरा एक पैलेस को हम एग्जम्प्ट कर, लेकिन बाकी पैलेस पे टैक्स ले. और यहाँ पैलेस का मतलब उस पैलेस के अंदर जितने भी महल है सारे एग्जम्प्टेड. ठीक है ना. फिर बोला हाउस प्रॉपर्टी ऑफ लोकल अथॉरिटी. म्यूनसिपैलिटी वगैरह का बहुत प्रॉपर्टी होता है, म्यूनसिपैलिटी को तो फिर सब प्रॉपर्टी पे टैक्स देना पड़ जाएगा. गवर्नमेंट बोला नहीं एग्जम्प्टेड है. कोई साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन है, इनका काम है रिसर्च करना, गवर्नमेंट बोला उनको भी एग्जम्प्टेड है. मतलब उनका जितना भी प्रॉपर्टी हो सब एग्जम्प्टेड है. उन्होंने तो बहुत सारे जगह लैब बनाएगा ना बेटा.
पंजाब में एक लैब, गुजरात में एक लैब, राजस्थान में एक लैब, बंगाल में एक लैब। बोला नहीं, इनको टैक्सेबल नहीं होती। कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, अब स्कूल की तो बहुत बिल्डिंग होती है, वो भी एग्जम्प्टेड। हॉस्पिटल्स, पर्सन बीइंग अ रेसिडेंट ऑफ लद्दाख, लद्दाख में छूट क्यों पता नहीं। पॉलिटिकल पार्टी का तो बहुत सारा ऑफिस होगा, वो भी छूट से, खुद को तो पहले माफ करते हैं लोग। ट्रेड यूनियन, अब लेबर यूनियन का बहुत सारा ऑफिस होता है। फार्म हाउस, ये बड़े बड़े फिल्म स्टार के फार्म हाउस होते हैं, धोनी का है वहाँ पे, वो बहुत टाइम दिखता है कि सब्जी उगा रहे। सलमान खान का है, वो तो खुद बोलता है हम आधा टाइम अपने जू वाला फ्लैट में रहते हैं तो आधा टाइम अपने फार्म हाउस पे रहते हैं। बोला फार्म हाउस को हम हाउस प्रॉपर्टी नहीं ट्रीट करते। जाओ चैरिटेबल पर्पज के, जिनका चैरिटी का काम है, उनके बहुत सारे जगह हो सकती है। और यूज फॉर ओन बिजनेस, ये तो सर आप ऊपर डेफिनेशन में पढ़ा दू कि ओन बिजनेस के लिए कोई ऑफिस, गोडाउन, शोरूम, रेंट, शोरूम ये सब है, इनको हाउस प्रॉपर्टी से एग्जम्पशन। ठीक है, अब आता है आज का एक टॉपिक जो बोलते हैं, अब यहाँ से कैलकुलेशन वर्क स्टार्ट होते हैं, बोलता है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। बोला ये चैप्टर ना इनकम को कैलकुलेट करने के लिए घर को चार पांच कैटेगरी में डिवाइड किया। एक बोला लेट आउट घर कैसे कैलकुलेट होगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड घर कैसे कैलकुलेट होगा, डीप टू बी लेट आउट। मान लेंगे प्रॉपर्टी नॉट एक्चुअली ऑक्यूपाइड बाय द ओनर, मतलब खाली पड़ा है, प्रॉपर्टी लेट आउट पार्टली एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड पार्टली। हम घर का एक हिस्सा में खुद रहते, एक हिस्सा भाड़ा पे दे दिए, या छह महीना खुद रहे, छह महीना भाड़ा पे दे दिए, आठ महीना खुद रहे, चार महीना भाड़ा पे दे दिए, इसको क्या बोलेंगे, पार्टली लेट आउट, पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड। दो वाइज हो गया ना, एरिया वाइज या टाइम वाइज, इनका भी कैलकुलेशन सीखना है। और अगर कोई पुराना भाड़ा अब रिकवर हो जाए, कोई अनरियलाइज रेंट था, अनरियलाइज रेंट मतलब किराएदार रहा लेकिन भाड़ा नहीं दिया, तो वो यहाँ टैक्सेबल होगा। और मतलब दो साल पुराना किराया वो आके देके जा रहा है, उस समय तो गवर्नमेंट को हम टैक्स दिया नहीं होगा, किराया मिला नहीं था इसलिए, लेकिन अब वो किराएदार आके किराया दे दिया, तो इस साल का जो रेंट है, इस साल का जो रेंट है वो तो टैक्सेबल है ही। और वो जो दो साल पुराना किराया मिला, तो अनरियलाइज रेंट यानी किराएदार किराए पे रहा बट किराया दिया नहीं था और अब दे के जा रहे, रिकवरी ऑफ अनरियलाइज। ठीक है, उसका कैसे ही देखेंगे इस चैप्टर में। और दूसरा बात, रिकवरी ऑफ एरियर रेंट। अभी एरियर क्या होता है, एरियर और अनरियलाइज कैसे लगता मिलना बाकी नहीं। एरियर रेंट क्या हुआ, सुनो तुम मेरे घर पे किराए पे रहते थे, तुमको हम बोला तीन साल पहले भाड़ा बढ़ाओ चंद्रलेखा, चंद्रलेखा बोली नहीं भाड़ा नहीं बढ़ेगा, डिस्प्यूट हो रहा है भाड़ा बढ़ेगी नहीं, मामला गया कोर्ट में, कोर्ट में केस चला तीन साल, आज कोर्ट फैसला कर रहा है भाड़ा बढ़ना चाहिए। बताओ ये तीन साल पुराना जो, तीन साल जो बीत गया उसका भी हमको इंक्रीज रेंट अब मिलेगा कि आज से भाड़ा बढ़ेगा, आज से भाड़ा नहीं बेटा जी, क्यों? तब तो फिर केस जीतना मेरा क्या फायदेमंद हुआ, हम तो तीन साल पहले केस किए थे कि उस दिन से भाड़ा बढ़े, और केस मेरे फेवर में आया मतलब कोर्ट ये बोल रहा तुम राइट थे कि उस दिन से भाड़ा बढ़े, तो उस दिन से हमको जो इंक्रीज मान लो, मान लो आप हमको 25,000 किराया दे रहे थे और हम बोल रहा था 30,000 होना चाहिए, तो ये तीन साल केस लटका रहा, आज सोल्यूशन आया, तीन साल में कितना महीना होगा, 36 महीना, हर साल 12 महीना, तो तीन साल में 36 महीना इंटू 5,000 करके किराया हमको मिलना चाहिए, तुम दो जब हमको वो पैसा, क्योंकि केस मेरे फेवर में आए तो कितना होगा, 36,000 इंटू 5, 36 इंटू 5,000 180,000 रुपये, ये 180,000 तुम हमको दोगे, तो ये तो इस साल मिला ना हमको, लेकिन ये भाड़ा तो तीन साल का है, बट रिकवरी तो अब हुआ। मान लो ये केस हुआ था 2021 में, फैसला आ रहा है 2024 में, 21-22 का केस है,
फैसला आ रहा है 24-25 में। तो अब हमको तुम हम पैसा दोगे, ये तो इसी साल टैक्सेबिलिटी का बात आएगा ना, क्योंकि इतना दिन तो पता ही नहीं था, तो इतना साल टैक्स किस बात कर देते। मान लो केस हारे तो हम क्यों देंगे, तब तो तुम हमको भाड़ा नहीं देते बड़ा हुआ, तो हम पहले से टैक्स कैसे दे दें। तो आज डिसीजन आया तो हमको आज पैसा दोगे, अब हमको ये इनकम माना जाएगा, अब टैक्स देने का बात आएगा। इसी को बोलते हैं रिकवरी ऑफ एरियर रेंट। एरियर रेंट क्या हुआ, डिस्प्यूटेड केस का आप बढ़ा हुआ भाड़ा मिल गया। और अनरियलाइज्ड रेंट क्या हुआ, तुम किराया दिए बिना चले गए थे और अब किराया दे के जा रहे हो। तुम मेरा घर ना मार्च तक यूज किए, बट तुम जनवरी तक का भाड़ा दिए थे और अब फरवरी मार्च का बिना भाड़ा दिए चले गए। ये मान लो बात है 2020-21 का, अभी चल रहा है 24-25। तुम अब आए और बोले नीरज सर आपका 2 महीने का किराया ले लीजिए, ये हो गया रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट। क्लियर है? अब एक बढ़िया बात बताएं, आपको लग रहा होगा बाप रे इतना सारा अलग अलग टॉपिक का कैलकुलेशन सीखने, नहीं इसमें बाप रे कुछ नहीं, क्यों, क्योंकि लेट आउट का जो सिस्टम है वही फॉलो होगा डीम टू बी लेट आउट में, वही फॉलो होगा प्रॉपर्टी नॉट एक्चुअली ऑक्यूपाइड में, और वही फॉलो होगा अगर टाइम वाइज प्रॉपर्टी का सेल्फ पार्टली लेट आउट और पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड का, सॉरी एरिया वाइज, एरिया वाइज पार्टली लेट आउट दो टाइप से होते हैं, एरिया वाइज या टाइम वाइज। एरिया वाइज मतलब घर 1200 स्क्वायर फीट का है, 800 स्क्वायर फीट में हम रहते हैं, 400 स्क्वायर फीट तुमको किराए पे दे के रखा। और टाइम वाइज मतलब घर में 8 महीने हम रहा, 4 महीने किराए पे दिया, मतलब 8 महीना सेल्फ ऑक्यूपाइड 4 महीने किराया, या 3 महीना हम रहा 7 महीना किराए पे दिया, सॉरी 9 महीना जो भी हो सकता है, ठीक है। तो एक बात सिंपली सुन लो, लेट आउट में जो तरीका है वही तरीका डीम टू बी लेट आउट में है, वही तरीका प्रॉपर्टी नॉट एक्चुअली ऑक्यूपाइड में है, और वही तरीका एरिया वाइज डिवीजन में है। तो अलग कुछ भी नहीं है, ठीक है। सेल्फ ऑक्यूपाइड का एक अलग तरीका होगा, मतलब अल्टीमेटली तुमको लेट आउट और सेल्फ ऑक्यूपाइड ही सीखना है, और इसके अलावा कुछ। और ये जो लास्ट वाला बात है ना रिकवरी वाला बात, ये एक लाइन का सोल्यूशन है, मतलब जब पढ़ाएंगे तब आपको एक ही लाइन पढ़ाएंगे और टॉपिक कर, इनमें भी कुछ बहुत बड़ा बात नहीं। तो अल्टीमेटली आप अपने मन में ये बसाओ कि आपको लेट आउट या सेल्फ ऑक्यूपाइड का कैलकुलेशन सीखना, बात क्लियर। तो नेक्स्ट क्लास में इसका कैलकुलेशन स्टार्ट होगा।